नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी काजल मंगल मुखी। दोस्तों, मैं आज यमुना नगर के गोल्डी शर्मा जी की डेरे में हूँ, मंगल मुखी डेरे में हूँ। हमारे भारत के कुछ जो परंपरा है, परंपरा के साथ साथ जैसे हमारी एक सखी परंपरा भी है, उसके बारे में हमारी गोल्डी शर्मा जी बताएंगे। हाँ जी, गोल्डी शर्मा जी बताइए कुछ किन्नरों का परंपरा के बारे में। किन्नर शब्द तो हमारे ग्रंथों से लिया गया है। हाँ जी, जो हम किन्नर हैं, ये यक्ष, गंधर्व, किन्नर जो देवताओं में आते हैं, इनकी गिनती देवताओं में होती है। हम इंसानों से ऊपर बढ़ के हैं, हमारी भी कुछ मान मर्यादा है। हम भगवान की स्तुति के लिए बने हुए हैं, भगवान के भजन के लिए, उनके गान के लिए, इसलिए हमारा जन्म हुआ है, उत्पत्ति हुई है। और मैं सखी संप्रदाय से हूँ, निम्बार्क संप्रदाय से मैं अपना दीक्षित हूँ, और मेरे को 16 संतों से मिला हुआ है सखी संप्रदाय का। और सखियां दो प्रकार की होती हैं, राम सखी, श्याम सखी। राम सखी मर्यादा में रहने वाली होती हैं। अच्छा। हम श्याम सखी हैं, मस्ती में रहने वाली हैं। अच्छा। हम श्याम की सखियां हैं, हम कृष्ण की सखियां हैं, हम मस्ती वाली। अच्छा, यही डिफरेंट है मतलब। हाँ जी, राम सखी मर्यादा में रहती है, वो प्रभु राम के वो घूंघट श्रृंगार करती है, प्रभु राम के लिए करती है, घूंघट उठाएगी, प्रभु राम के आगे उठाएगी। हम शाम की दीवानी है, हम तो शाम सखी है, शाम के नाम में ही मस्त है। अच्छा, तो आपको कितने साल हो गया शाम सखी? मेरे को दीक्षित हुए कम से कम हो गए 19 साल। अच्छा, दीक्षित हुए। अच्छा, तो आप मतलब और कुछ उन्हीं के बारे में, जैसे श्याम सखी के बारे में बताइए हमें। श्याम सखी के जाके आप वृंदावन से पता कर सकते हो। अच्छा, श्याम सखी की क्या वैल्यू है, सखी चीज क्या है। अच्छा, सखी तो एक भगवान की बस बिजनेस, भगवान का सखी का मतलब है भगवान को अपना दोस्त मानना। हाँ जी, हाँ जी। हम तो एक दोस्त के भाव में पूछते हैं कि हमारे दोस्त है, सखा हम उनके सखा है, हम सखी भाव में रहते हैं। बस वो जो कुछ है सर्वस्व हमारे है प्रभु श्री कृष्ण। आप मतलब जैसे जो कृष्ण भगवान जो हैं, जो उनकी रूप में मतलब जैसे आप उनको पा चुके हो। हाँ जी, हाँ जी, सखी के रूप में आप उनको पा चुके हो, तो अपनी जो जन्म जो है उस अपने आप को सार्थक बना लिए हैं। जो और कुछ कहना चाहे तो बताइए। हम तो कहते हैं जो जिस धर्म में अपने धर्म पे कायम रहे, कोई हिंदू है अपने हिंदू धर्म पे कायम रहे, कोई मुस्लिम है अपने मुस्लिम धर्म पे कायम रहे। हाँ जी, और किसी भी रूप में भगवान का नाम आज के टाइम में कलयुग में जरूरी है। सही बात, भगवान का नाम लेना, चाहे वो अल्लाह को हो, चाहे वो राम को, चाहे वाहेगुरु को, और चाहे यीशु को। सही बात है, जो जिस धर्म में है, जिस मजहब में है, अपने उस धर्म को अपना निभाए। सब मजहब यही सिखाता है कि इंसानियत पहले, इंसानियत पहले होना जरूरी है। जो चाहे इंसान के धर्म, जो धर्म पे चलने वाले होंगे ना, उनके दिल में दया उदरती अपने आप आ जाएगी, इंसानियत और दया, जो धर्म को मानने वाले होंगे। हाँ जी, और जो नहीं मानते तो फिर तुम्हें पता ही है। हाँ जी, कोई आतंकवादी बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ बन जाता है। हाँ जी, हाँ जी, जिनके जिनके दिल में ईश्वर होगा, वो खुदा होगा, भगवान होगा, गॉड होगा, सही बात, वाहेगुरु होगा, तो वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाए। सही बात है। आप सनातन धर्म के बारे में कुछ बताइए। सनातन धर्म तो आपको पता ही है, पता ही होगा आपको, ये तो आदि आदि काल से चला रहा है सनातन। हाँ जी, हाँ जी, बाकी धर्म तो बाद में। हाँ जी, कोई 300 मतलब साल पुराना है, कोई 1200 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है। हाँ जी, सनातन धर्म तो आदि काल से है। आदि काल से हम सनातनी, उसका सनातन धर्म का कोई एक वो नहीं है कि मतलब वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ईसाई है, ये है पुरातन धर्म है। पुरातन धर्म का मतलब ये होता है, ये सिखाता है कि जो इंसानियत और इसका साथ साथ ईमानदार होना जरूरी है, और ईमानदार के साथ साथ ऐसी ममता होना जरूरी है, दया होना जरूरी है। तो इसके साथ साथ आप सबको तो पता ही है, जैसे आपको या अनुशासन या समर्पण या निश्चित समय या दृढ़ निश्चय या दिशा, और इसके साथ साथ श्रद्धा और सब्र, ये सब सिखाता है सनातन धर्म। आई मीन आप सबको तो पता ही है, ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी एंड ऑनेस्टी ऑनेस्टी के साथ डिसिप्लिन और डेडिकेशन एंड डेडलाइन एंड डिटर्मिनेशन एंड डायरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस एंड पेशेंस, ये सब सिखाता है हमारी सनातन धर्म। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज गोल्डी जी से मिल के, हमारे अपने मंगलमुखी मंडल में आज ज्वाइनिंग करते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लगा दोस्तों आप सबको? मैं आप सबकी काजल मंगलमुखी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।